हेलो एंड वेलकम गाइस। तो रेडमी की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लीक निकल करके आई है रेडमी की आने वाली नोट 11 सीरीज के बारे में। जी हाँ, नोट 11 प्रो सीरीज जो है वो लॉन्च होने वाली है, और इसके बारे में अभिषेक यादव जो एक लीकर है, ट्विटर पर इनके लीक्स आते रहते हैं, तो उन्होंने इस बारे में एक ट्वीट किया है जहाँ पर उसकी प्राइसिंग को लेकर के एक लीक जारी की है, जहाँ पर नोट 11 प्रो जो फोन होने वाला है वो एक 4G फोन होगा और जो प्रो प्लस होगा वो एक 5G फोन होगा। तो दोनों की प्राइसिंग आई है, और प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे, अपने ओपिनियन दूंगा मैं कि क्या मुझे लगता है कि इस फोन की प्राइसिंग इतनी होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले नोट 11 प्रो की, जो 4G वेरियंट है। जी हाँ, ये 5G वेरियंट नहीं होने वाला है, ये फिलहाल रेडमी नोट 11 प्रो 4G के नाम से लॉन्च होगा। और यहाँ पर हमें मीडियाटेक की तरफ से आने वाला हीलियो G96 प्रोसेसर इस बार देखने के लिए मिलेगा, जो कि G95 का सक्सेसर है, और प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 16999 इसकी प्राइस होने वाली है, 6GB 128GB के बेस वेरिएंट की। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 11 प्रो प्लस की, तो वो एक 5G फोन है, तो उसका नाम भी रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G है, जहाँ पर उसका बेस वेरिएंट जो होगा वो 21999 का होने वाला है, और 8GB वाला जो वेरियंट होगा वो 23999 का है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्नैपड्रैगन 695 इसके अंदर अवेलेबल है, ये एक 5G फोन है, तो स्नैपड्रैगन 695 के अकॉर्डिंग आई थिंक की जो प्राइसिंग है 21999 थोड़ी सी ज़्यादा है। 19999 होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू रेडमी की जो नोट वाली सीरीज है, जिस टाइप से लॉन्च करते हैं स्पेक्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं और प्राइस भी काफ़ी अग्रेसिव होती है, तो लगता है कि रेडमी में वो रेडमी वाली बात रही नहीं है, अब वो कुछ ज़्यादा ही अर्न करना चाह रहे हैं, ज़्यादा ही मार्जिन पर शायद वो मार्केट में अपनी पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, ज़्यादा ही मार्जिन अब अर्न करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा इसकी प्राइस रखी गई है, मेरे हिसाब से 19999 होती तो बेटर हो सकता था, बट फिलहाल अभी भी ये र्यूमर्स हैं, कन्फर्मेशन कुछ भी नहीं है। जैसे ही फ़ोन लॉन्च होता है, फ़ोन लॉन्च होने के बाद क्या स्पेक्स हैं, क्या प्राइस है, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट फिलहाल हम इस केवल इस लीक के बारे में आज बात करने वाले थे। लेकिन जो 11 जो हमारा 11 प्रो है वो मेरे ख्याल से 5G होना चाहिए था, बट यहाँ पर केवल 4G से ही काम चलाया गया है, क्योंकि 5G का लॉन्च जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, एक साल के बाद आपको 5G यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब टाइम था यहाँ पर 5G फोन्स को लॉन्च करने का। कंपनीज पिछले साल से 5G फोन लॉन्च कर रही हैं, बट अब यहाँ पर आकर के कंपनीज ने 4G फोन्स पकड़ लिए हैं। पता नहीं क्या चल रहा है मार्केट में और क्या कुछ हो रहा है। इससे पहले रेडमी का ही सब ब्रांड है पोको, पोको ने अपना पोको M3 प्रो जो लॉन्च किया था वो 5G के रूप में लॉन्च किया था, बट यहाँ पर केवल 4G फोन लॉन्च किए जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। एक पता नहीं मार्केट को किस तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है, किस टाइप से स्टडी किया जा रहा है मार्केट को, और वहाँ पर पता नहीं क्या कुछ भी फिलहाल किया जा रहा है, बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट कर रखा है कंपनीज ने, कभी 4G कभी 5G कभी 4G कभी 5G, बट मेरे अकॉर्डिंग इस टाइम जो टाइम है ये 5G फोन्स को लॉन्च करने का है, 4G फोन्स को लॉन्च करने का अब टाइम नहीं रहा है। और दूसरी बात कि इतने प्राइस नहीं रखने चाहिए कि 21999 तक आप रेडमी की नोट वाली सीरीज, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये 20,000 से ऊपर जाएगी, बट क्या कर सकते हैं कि इस बार इन्होंने रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G को लॉन्च करने की तैयारी कर दी है अबाउट 21999 की। और लीक्स के अनुसार 15th ऑफ मार्च से इसकी जो सेल है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, बाकी आपको जो भी ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा, मुझे बताइएगा जरूर कि आपको क्या लगता है कि रेडमी नोट 11 प्रो 4G होना चाहिए था या फिर 5G, और जो प्रो प्लस 5G की प्राइसिंग है वो क्या है आपके हिसाब से, ठीक है या फिर ओवर प्राइस है। और मुझे तो जो प्रो वाला वेरिएंट है 4G वाला उसकी प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा लगी है, G96 के प्रोसेसर के हिसाब से 16999 काफ़ी ज़्यादा हो गया है, यहाँ पर इसकी प्राइस 14999 या फिर 13999 तक हो सकती थी ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपका जो भी ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।